अबे रियल वापस कोड़ो भाई। ओ भाई ओ भाई, अबे बर्लिन नाम चमकेगा मिस्टर साइबर कोड। हेलो बर्लिन, चमकाएगा तेरे पे नाम। आ जा पचिंकी, आ जा मिस्टर साइबर कोड, नाम याद कर लियो मिस्टर बर्लिन भाई। बिग पेन, बिग पेन, बिग पेन, साइबर स्क्वाड, बिग पेन। अबे भाई मिस्टर साइबर कोड भाई, ओ भाई मिस्टर साइबर कोड, 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 तो स्टार्टिंग में आप लोगों ने कुछ सुना होगा, प्लेन के ऊपर भाई पूरी भसड़ मची पड़ी हुई थी। तो आज के गेम प्ले में एक बर्ली नाम का पोसाइडन का बंदा रहता है, जिसने भाई जो धमकी दी, और वो लाइव स्ट्रीम वगैरह पता नहीं क्या कर रहा था, तो उसने बोला कि वो लाइव में मुझे मारने वाला है। एंड उसके बाद मेरी और उसकी आमने सामने की फाइट हुई, और भाई जो हुआ ना, लिटरली रोने वाला सीन हो गया था। अब वो आप लोग को आज के इस गेम प्ले में देखने के लिए मिल जाएगा। हम लोग उतरते हैं यहाँ पे पहले गेम प्ले में नोवो पे, और नोवो पे हमारे साथ उतर जाती है भाई 4 से 5 स्क्वाड। तो यहाँ पे उतरते मुझे एक एम मिल जाती है, मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। एंड मेक श्योर गाइस, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और भाई वीडियो को आप लोग पूरा देखना इन द एंड तक, तो आप लोग को बहुत तगड़ा मजा आने वाला है आज के गेम प्ले में। और पोसाइडन बर्लिन भैया से फाइट भी होने वाली है हमारी, बहुत ज्यादा तगड़ी। एंड इसी के साथ यहाँ पे हमारा पहला स्क्वाड क्लच कंप्लीट हो गया। अब मुझे ऐसा लगा कि उसका पहला वाला बंदा जो था व्हाइट कलर की ड्रेस में, वो जंप कर रहा था, लेकिन उसके बाकी के बंदे तो भाई भाग रहे हैं। अब ये जो बंदा भाग के यहाँ पर से जा रहा है, ध्यान से देख लो गाइज आप लोग इसको, जो भाग के गया उधर राइट साइड। सबसे पहले तो ये जो पीछे से SKS चला रहे थे भैया, इनको मैंने नॉक किया। एंड उसके बाद जो पीछे भाग के निहत्था बंदा गया था, उसके साइड हम लोग भाग के गए। अब यहाँ पे सीन क्या हुआ, मैं इसके पीछे पीछे भाग के जाता हूँ, और ये भैया फिर लास्ट में कर लेते हैं यहाँ पे मीटअप, तो इनसे बात बात होती है। और ये भैया का आज के गेम प्ले में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। अब वो कैसे होने वाला है, आप लोग जरा वेट करो, और वीडियो को लाइक कर दो, मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब जो भी न्यू हो। तो यहाँ पे ये एक स्क्वाड अलग से आ गई थी, मैंने एक यहाँ पे प्री ग्रेनेड किया, जिससे वो बंदा इधर साइड दौड़ के आ रहा था, तो मुझे पता था ये फटेगा, लेकिन तभी वो राइट भाग गया। अब जरा आप लोग ये वाला प्री ग्रेनेड देखो, बूम गाइस। एंड इसी के साथ इस वाले ग्रेनेड के लिए एक लाइक तो बनता है, इसीलिए गाइस हमेशा कहते हैं, लोग हमेशा बोलते हैं कि तुक्के में लग जाता है, तुक्के में लग जाता है। तो अगर मैं वो ग्रेनेड करता ही नहीं, प्रिडिक्ट करता ही नहीं कि बंदा ये इधर से जाके उधर बैठेगा, तो वो ग्रेनेड से कैसे मरता। तो ये गाइस होती भाई गेम सेंस होता है, ये प्रिडिक्शन होता है, ये लक नहीं होता है। मतलब थोड़ा सा लक होता है, मगर अगर मैंने प्रिडिक्ट करके ग्रेनेड वहाँ नहीं फेंका होता तो लक किस काम का आता। तो ऐसे गाइस फूड्स वगैरह सुन के आप लोग भी प्री ग्रेनेड वगैरह फेंक सकते हो एक के बाद दूसरा। बॉल के पीछे बैठे हुए हैं, एंड उसके बाद लोग आपके उस वाले परफेक्शन ग्रेनेड को बोलेंगे कि भाई ये तुक्का लग गया। अब यहाँ पे इस टीम के मैंने 3 बंदे नॉक कर दिए थे, जिनमें 2 मैंने फिनिश कर दिए थे, लास्ट बंदा बचा हुआ था। और ये जिस बंदे को हम लोगों ने छोड़ा था, ये पीछे भाई जबरदस्ती पीछे पीछे आ रहा था, मेरे को तो लग रहा था RD बैन करवा देंगे भैया, लेकिन ये जंप कर रहे थे पूरे के पूरे मैच में और धोखा नहीं दिया। सबसे अच्छी बात तो ये है, आजकल भाई मेरे फैंस लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अपने फैंस, अपने फैमिली मेम्बर, स्क्वाडियन फैमिली मेम्बर भाई साइबर आर्मी, क्योंकि भाई आजकल धोखे बड़े कम हो रहे हैं। नहीं तो एक टाइम पे तो भाई जो ही फैंस धोखा दे देते, मतलब वो एक्चुअली में फैंस होते नहीं थे, वो शुरू से ही धोखेबाज रहते थे। अब यहाँ पीछे की साइड एक बंदे के फुट्स आ रहे थे, तो मैंने ग्रेनेड वगैरह किए, लेकिन वो बंदा यहाँ तब तक पीछे की तरफ भाग चुका था। तो उसके बाद हम लोगों ने उसका पीछा करना छोड़ दिया, क्योंकि वो पीछे भाग गया, और इधर साइड से एक बंदे के फुट्स आ रहे थे। और ये थे हमारे बॉट अंकल, मतलब जब तक बॉट अंकल ना मारो गेम प्ले में, तो गेम प्ले कहाँ पूरा होता है। जब तक बंदों के ऊपर गाड़ी ना चढ़ाओ तो कहाँ फिर पूरा होता है। तो अब उसके बाद हम नोवो से निकल रहे थे, तभी यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी, और गाड़ी के पास एक भैया लेटे हुए थे, जो कि आई थिंक सो बैंडेज वगैरह मार रहे थे।
और गाड़ी निकलने के बाद भी बंदा वहीं पे लेटा हुआ था, मैंने देख लिया था बंदे को और जस्ट मैंने वहीं पे प्री फायर दिया और बंदा हो गया नॉक। अब मैंने इस बंदे को फिनिश किया जैसे ही, वैसे ही इसने ऑल पे कुछ बोला मुझे समझ में तो नहीं आया, और उसके बाद पीछे से ये बंदा जंप कर रहा था, मेरे टीममेट ने बताया पीछे भैया ये बंदा जंप कर रहा है, तो उसके बाद हम लोगों ने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे आप लोग जरा ये सीन देखो, ये एक हो गया फैन अलग टीम का, पीछे एक बंदा हमारा फैन आ रहा है अलग टीम का, ठीक है ये देखो ये आ गया। तो हम लोगों ने इनको तो भाई मैकलैरन सॉरी बोला, कौन ही सिख गिफ्ट की हम लोगों ने। अब बहुत लोग बोल रहे थे भाई, कमेंट में बोलते रहते भाई उसका स्पेलिंग तो सही लिखते हो मगर प्रोनाउंसिएट गलत कर रहे, तो भाई कौन ही सिख ही मैं बोलता हूँ अब उसका जो भी नाम हो। उनके बाद मैं गिफ्ट करने के बाद उन बंदों को और यहाँ पे आता हूँ, ठीक है वो दोनों बंदों को, वो दोनों अलग अलग टीम के बंदे थे जो सेम गाड़ी में घूम रहे हैं। अभी आश्चर्य की बात तो ये है कि भाई तीन टीम के अलग अलग सोलो बंदे आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे वही अपनी पुरानी स्ट्रेटजी, मैंने विक्की को बोला तू गाड़ी घुमा उसके आसपास जाके जल्दी से और मैं उसकी यहाँ से बचा दूंगा, लेकिन ये बंदा काफी होशियार था, इधर आने को तैयार ही नहीं था। तो यहाँ पे विक्की की भी आधी एचपी हो गई थी विक्की की, और गाड़ी की भी विक्की की आधी एचपी हो चुकी थी, तो मैंने बोला छोड़ो यार ये वाली टेक्निक इस बार काम नहीं आएगी, ये बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है, और सीधे मैंने इस बंदे पे रस कर दिया। अब ये देखो ग्रेनेड करने का नया तरीका, एंड इसी के साथ इन भैया की पेटी बन गई। इनको ओपन से आना ही था क्योंकि मैंने राइड में ग्रेनेड कर दिया था, और ये बंदा लिट भी था क्योंकि इसे हील करने का टाइम नहीं मिला था, तो ये भाग के बिल्कुल ओपन से आया और इसी चक्कर में इनकी यहाँ पे पेटी बन गई। तो गाइस जो लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि बर्लिन भैया वाला सीन अभी आप लोग को देखने के लिए मिलने वाला है, तो वो बर्लिन भैया वाला सीन देख के तो आपको मजा आ ही जाएगी। वो पोसाइडन वाला बंदा जो प्लेन पे बोल रहा था कि आज बर्लिन तेरी पेटी चमकाएगा। अब यहाँ पे ये देखो ये तीन बंदे थे, तीनों की तीनों अलग टीम के थे, अपने फैन ही थे ये लोग, तो इन्होंने फैन फाइट के लिए बोला ठीक है, और तीनों एक ही जगह पे सेम गाड़ी लेके आए थे, मतलब वही अपनी कोनी सिग। एंड उसके बाद यहाँ पे एक बंदे के साथ तो फैन फाइट में जीत गया, फिर उसके बाद बारी आती है दूसरे बंदे के साथ फैन फाइट की, एक पेन दो पेन। अब भाई यहाँ पे तो लगातार रैपिडी पेन लगा। अब आप लोग को क्या लगता है क्या यहाँ पे मैं हैट्रिक कर पाऊंगा, क्या यहाँ पे अपने तीसरे फैमिली मेंबर फैन से हम लोग पेन फाइट जीत पाएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। ये लगा एक पेन, नहीं लगा, बच गया, ये लगा एक पेन, अरे भाई मेरे को भी गया, मैं गया भाई, दो पेन लगे इसको बंदे को, तो भाई अगर एक पेन मेरे को हेड लगा तो मैं गया। एंड इसी के साथ कमाल का चिकन डिनर। अब चलो चलते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली में एक बंदे ने चैलेंज नहीं दिया था, एक पोसाइडन वाला बंदा तो था ही जिसने बोला था कि पेटी चमकाएगा तेरी ये बर्लिन करके, उसके साथ साथ प्लेन में और भी टॉक्सिक बंदे थे जो गाली दे के बोल रहे थे तेरी पेटी मैं ही बनाऊंगा, ये वो फलाना ढिमकाना कर रहे थे। तो हम लोग भाई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और उतरते हैं पोचिंकी में। अब आप लोग को भाई बहुत तगड़ा मजा आने वाला है, यहाँ पे बेचारे पॉल को देखो, नाम पढ़ो इसका, बेचारे पॉल को निहत्था मार दिया इन लोगों ने, और पॉल भाई दे गालियों पे दे गालियां लगा हुआ था। एंड उसके बाद मैं निकल के यहाँ पे आता हूँ लूट पार्ट करने के लिए, और तभी ये बंदे मेरे पे रस कर देते हैं। अब आप लोगों को क्या लगता है गाइस, यहाँ जो ये बंदे रस करते हैं ये वही पोसाइडन बर्लिन वाले बंदों की टीम थी, तो आप लोगों को क्या लगता है क्या यहाँ पे आज मैं जीतूंगा या फिर। ये देखो पॉल भैया का बदला तो हम लोग ले लिए इससे नॉक करके, एंड ये रहा पोसाइडन वाला बंदा वही जिसने हमको चैलेंज दिया था कि ये हमारी पेटी चमकाएगा। एंड इसके अलावा भी पोचिंगी में बहुत सारे बंदे आए हुए थे, आप लोग साउंड सुन ही सकते हो। अब यहाँ पे मैंने जंप किया भाई, ये पता नहीं क्या ग्लिच हो गया इस वाले में, आइस वॉल पे जब बढ़ती है ना ऊपर की तरफ तो अंदर घुस जाता है प्लेयर। अब जब तक मैं यहाँ पे आया ये बंदे, ये देखो ये पोसाइडन इधर उधर नाच रहा है भाई,
ये लोग भाग के दूसरे वाले घर में चले गए। अब मुझे कुछ भी करके भाई पॉल का बदला लेना था और ये भैया की पेटी भी बनानी थी। तो यहाँ पे भाई पॉल उसे चिढ़ा रहा था क्योंकि भाई ऑल पे उसने प्लेन पे बहुत कुछ बोला था अनाप शनाप करके भी। और इसी के साथ भाई बर्लिन भैया की तो पेटी आप लोग देख ही सकते हो, पॉल का बदला भी ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसी बात पे गाइस एक लाइक तो बनने चाहिए। अब भाई उन लोगों के साथ बहुत बुरा होता है जो प्लेन पे किसी यूट्यूबर को चैलेंज करते हैं फिर उसी यूट्यूबर के हाथों मर जाते हैं भाई, वो मतलब किसी को शकल दिखाने के लायक भी नहीं बचते। देन उसके बाद इनको भरने के बाद पीछे के साइड भाई हो रही थी फुल बूम बाम बाजी, तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे पीछे के साइड। तो यहाँ पे ऑल पे भाई पॉल मुझे बताता है कि वो बंदा बस ऑल पे हंसे जा रहा है मुंह फाड़ के। अब वो बेचारा कर भी क्या सकता है यहाँ पे भाई, शर्मनाक हादसा तो हो ही गया है। तो इसीलिए गाइस बोलते हैं किसी को भी चैलेंज मत करो ऐसे ऑल पे चिल्ला चिल्ला के, नहीं तो अगर उस बंदे ने पेटी बना दी तुम्हारी तो बहुत गंदी वाली बेइज्जती होगी। और ये तो भाई बहुत गंदा वाला इन लोगों ने चैलेंज किया था मुझे। तो बॉयज इसी बात पे एक लाइक तो बनता है भाई, पोसाइडन मार दिया तुम्हारे बंदे भाई ने और भाई चैलेंज भी पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। अब उसके बाद मैं निकल के आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि एक कैंपर हमारा वेट कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैं आया एक बंदे की फुट साए मुझे, एंड भाई साहब ये भैया कब से बैठे हुए थे यहाँ। एंड इसी के साथ इनकी भी यहाँ पे पेटी बन जाती है। तो भाई आप लोग को आज का गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना जरूर। अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई वो पोसाइडन अंकल की पेटी के लिए बॉयज एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है भाई, क्या चैलेंज किया था और उसके बाद क्या पेटी बनी भाई की। तो मिलते हैं एक और नई कमाल की वीडियो में, टिल देन साइन आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल गाइज। जो भी फैंस वगैरह मीटअप के लिए आते हैं लव यू मेरे भाइयों, जो भी पॉजिटिव चैलेंज देते हो ऑल पे तो लव यू उनके लिए भी। बर्लिन ओपी भी हो जाए गाइज एक बार, उसने कुछ नहीं बोला था वैसे अनाप शनाप, उसने सिंपल एक चैलेंज किया था कि आज पेटी बनाऊंगा तेरी और उन्हीं की पेटी बन गई। तो मिलते हैं एक और नए कमाल की गेम प्ले में, टिल देन साइन आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल, जय हिंद वंदे मातरम।